सोशल मीडिया पर इतने हिट आचार्य इतने हिट गुरुजी देखे नहीं है जी। युवा होने की वजह से आप युवाओं से ज्यादा जुड़ पाते हैं नई पीढ़ी से ज्यादा जुड़ पाते हैं युवा तो इस देश में लगभग ये बैठे हैं बहुत लोग यहाँ भी बैठे हैं है। जो हार्ट की बात बोले वही आदमी के दिल में जगह बना सकता है जब तक आपके अंदर दो प्रकार के मुख होंगे तब तक आप हमें नहीं लगता कि आप दूसरों को अपनी बात हृदय में बैठा पाएंगे जो हृदय में है हमने जो दुनिया को समझा जो हमारे हृदय में है उसको आप दुनिया के सामने परोस दीजिए जो अमीर आदमी होगा दिल का वो उसको खरीदेगा गरीबों की बस की बात नहीं आपने कहा था जब अभी चुनाव चल रहे थे आपने कहा कि ठठरी और गठरी बांध दूंगा उसकी जो सनातन के विरुद्ध बोलेगा जी अब देखिए क्या क्या चीज़ें इस बीच हो गई चुनाव के नतीजे आ गए सारे राजनेता हम देखते थे कि आपकी ही पास आके अपना आशीर्वाद लेने के लिए बैठा करते थे उसमें आप कोई द्वेष नहीं करते हैं कौन सी पार्टी का है कोई भी आप हमें राजनीति के जो लोग आते हैं हमें उनकी पार्टी से मतलब नहीं हमें सिर्फ हमारे पास आकर उनकी विचारधारा बदले और वो हमसे कुछ लेकर जाएं और हनुमान जी के हो जाएं इससे मतलब है विचारधारा बदल रही है हम तो साधु हैं साधु, है। साधु कोशिश कर सकता यहाँ इतने लोग बैठे अब किसी की कोई नज़र है किसी की कोई नज़र है कोई देख रहा आ गया कोई कह रहा हाँ बाबा है और कोई कह रहा हाँ अच्छा कथावाचक है कोई कह रहा ठीक है हनुमान जी की कृपा है तो सबकी अपनी अपनी दृष्टि है हम इनको सबको नहीं समझा सकते ना इन सबको सुधार सकते लेकिन दो लोगों के जीवन में भी अगर हम क्रांति ला दें तो हमें लगता हमने अपना काम कर दिया आपकी आयु कितनी थी जब आप हाँ अभी जो दीपावली के बाद एकादशी निकली है देव उठनी एकादशी उसको कहते हैं हमारे जीवन में उसी रात को ये घटना घटी थी हम बारह वर्ष के थे इस एकादशी को हमको पंद्रह साल बालाजी की कृपा पाए हुए हो गया है तो हम बारह साल के थे हमारे घर में भोजन की व्यवस्था नहीं थी बड़ी गंभीर हालत थी हमारी माँ ने सिखा दिया हम बच्चे ही थे कि तुम्हारे दादाजी बहुत जानते तो वो गड़ा हुआ धन बता देंगे तुम पूछया तो माँ के कहने पे हम दादाजी के पास में संपत्ति के बारे में पूछने गए थे उस वक्त कोई अधिकारी बैठे थे झोपड़ी में रहते थे सिद्ध पुरुष थे लंबी डांडी छः फुट का शरीर अद्भुत महापुरुष झोपड़ी में रहते थे तो हमने हाथ जोड़े हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं तुम्हारे घर के हैं अब जरूर आप बैरागी हो गए तो बचपन से ही हम बोलने में पटर पटर थे तो वो देखने लगे हमें गौर से हमने कहा हम तुम्हारे नाती हैं आप जरूर बैरागी हो गए तो हमने कहा अब हमारे घर पे हालत क्या है तुम्हारा बेटा यानी हमारे पिताजी उनके बेटा थे हमने कहा भोजन की भी स्थिति दयनीय है बरसात चल रही कुछ बता दो भोजन भजन चलता रहे दादाजी बोले रात को आना हम रात को गए गुरु की दृष्टि तो गुरु की दृष्टि होती वो तो देख लेते हैं कि कौन पात्र है तो रात को गए फटी हुई धोती पहने हुए थे हम और चढ़ गए मंदिर जहाँ बागेश्वर हनुमान जी हैं वहाँ झोपड़ी में दिया जल रहा था वो बैठे थे झूले पर हमने प्रणाम किया कि बब्बा गांव में दादाजी को बब्बा कहते बुंदेलखंडी भाषा में तो हमने बब्बा प्रणाम किया बोले तो आ गए बिटवा हमको वो बिटवा कहते थे हम गए जी उन्होंने कहा कि जाओ स्नान कर आओ ठंड बरसात की ठंडी थी थोड़ी थोड़ी हम ठंड में गए स्नान करके नीचे हैंडपम्प से आए तो रात को लगभग पौने एक बजे के लगभग उन्होंने हमारी यहाँ बाहें पकड़ी और बागेश्वर हनुमान जी की मूर्ति छोटी सी मंदरिया में थी अब बन गई तो छोटे से स्थान पर वहाँ खड़ा कर दिया अब उन्होंने जो भी किया हो अब वो माइक पे बताने योग्य वार्ता नहीं एक लाइट जैसा प्रकाश हुआ हम बच्चे थे डर गए तो उन्होंने पीठ पर थपथपाते हुए कहा कि कह दो तुम हमारे हो हम तुम्हारे और हमने भी भाव आवेश में आंखों में आंसू थे ही और हमने भी कह दिया जाओ आज से तुम हमारे हो हम तुम्हारे बस उसी रात को हमारे जीवन में वो घटना घट गट गई सुबह आए तो नॉर्मल थे माँ ने पूछा क्या हुआ हमका पता नहीं माँ ऐसा ऐसा रात को हुआ लाइट सी जली उजाला हुआ जो जो हुआ वो बताया कुछ बातें यहां गोपनीय कर दी तो दो तीन दिन बाद कोई भी व्यक्ति सामने से आता था तो हम बैठे रहते थे तो हमें लगता था कि ये आते ही अपना पहले नाम बताएगा तो वो आते ही नाम बताते उनका यार ये तो अपन को पता था लेकिन बच्चे थे तो डर के मारे बोलते नहीं थे कई दिन जैसे स्कूल में बैठे तो हमें लगता था कि मास्टर आएंगे वो आते ही सबसे पहले गणित का ये वाला सूत्र लिखेंगे अल्फा बीटा ऐसा लिखेंगे भैया आते ही वो लिखते थे हम कहा यार ये क्या लफड़ा है फिर हमने गुरु जी को बताया दादाजी को उन्होंने कहा हनुमान जी ने तुमको चुन लिया अब सेवा करो फिर 2010 में उनका काशी में शरीर छूट गया तो फिर आभास ज़्यादा बढ़ गए अनुभव बढ़ गया धीरे धीरे हमारी अवस्था भी वयस्क होने लगी तो इसके बाद में फिर जो है हमें समझ में आने लगा कि ये बालाजी के चरणों का प्रसाद है हमसे कुछ जनकल्याण कराना चाहते उसी को हमने फिर धीरे धीरे दरबार लगाया फिर धीरे धीरे एक दिन हमको संस्कार टीवी चैनल के सीईओ मनोज त्यागी पहुँच गए बोले बाबा तो ये काम का है तो हाँ तो ये यही तो बैठे सामने हैं तो हम तो हाँ, हाँ, हाँ जो हम तो मुँह पे बोलने वाले हैं तो इन्हें लगा कि ये बाबा टीआरपी लाएगा तो हाँ तो इन्हें लगा कि ये बाबा टीआरपी लाएगा बाबा खतरनाक है तो हमने कहा कि कहिए त्यागी जी किस लिए आए हैं तो ये बोले हम आपको मांगने आए हैं बस वहीं पर हो गई और हमें भी शौक नया नया टी पे आने का था देखो जो है तो हम झूठ नहीं बोलते साहब बता देते हैं तो कहा बाहर में गए हम माता जी से कहते थे कि हम संस्कार टीवी पे एक दिन आएंगे <laughs> हाँ <laughs> ये हमको संस्कार टीवी पे ले आए और बस धीरे धीरे फिर दरबार लगा और फिर पता नहीं लगा वो कब आज हम आपके बगल में हैं बस इतना यही हमारी यात्रा है